कहते हैं कुछ कर गुजरने के लिए उम्र की सीमाओं का बंधन नहीं होता। कुछ कर गुजरने का मादा रखने वाले हर परिस्थितियों से लड़कर अपने लक्ष्य को हासिल कर लेते हैं। इसी कहावत को सच साबित किया है 12वीं पास 19 वर्षीय कौशल ने। पर्यावरण संरक्षण को लेकर मोदी सरकार इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा दे रही है। पीएम मोदी खुद पर्यावरण संरक्षण को लेकर काफी गंभीर हैं और पिछले कुछ सालों से इलेक्ट्रिक कार को बढ़ावा देने में जुटे हैं। पीएम मोदी के इसी मिशन से प्रेरित होकर 12वीं पास 19 वर्षीय कौशल ने ऐसी स्पोर्ट्स कार बनाई है जिसे बिजली से चलाया जा सकता है। कौशल इसे दुनिया की सबसे सस्ती स्पोर्ट्स कार होने का भी दावा कर रहे हैं। इस तरह की कारों की कीमत 1 करोड़ के आसपास होती है, जबकि इस कार को बनाने में महज 10 से 12 लाख रुपए की लागत आई है। सबसे बड़ी बात है कि इस कार का इंजन ही बिजली से चलने में सक्षम है, जबकि अभी तक इलेक्ट्रिक मोटर के सहारे कारों का इलेक्ट्रिक कार में बदला जाता है। इस स्पोर्ट्स कार की कीमत भी बेहद कम है। करीब 1 साल पहले कौशल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इलेक्ट्रिक वाहन को बढ़ावा देने के विचार से प्रेरित होकर स्पोर्ट्स कार बनाने में लग गए। इसे बनाने के लिए उन्हें पैसे की जरूरत पड़ी। इसके लिए कौशल अपने प्रस्ताव के साथ मोटर निर्माण से जुड़ी कंपनियों से मिले। कौशल के इस प्रस्ताव को हरियाणा की एक कंपनी ने उन्हें आर्थिक सहयोग का भरोसा दिया। इससे पहले 10वीं की परीक्षा पास करने के बाद कौशल ने मिनी बुलडोजर बनाया था, जिसके लिए उन्हें दिल्ली विज्ञान प्रदर्शनी में पुरस्कार भी मिला था। इसके बाद कई अन्य पुरस्कार भी मिले। पुरस्कारों में मिले पैसे और कंपनी के सहयोग से कौशल ने दुनिया की सबसे सस्ती इलेक्ट्रिक स्पोर्ट्स कार बना दी है।